मौत जब सर पे होती है, जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। पुलिस वाले बन के रोकेंगे अजय, बेकसूर की जाएगी जान। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। अजय देवगन एक ऐसे एक्टर हैं जो हर किस्म के किरदार को बहुत ही बखूबी निभाना जानते हैं। यही हमने उनकी कितनी ही फिल्में देखी हैं जब उन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाया है। जाहिर सी बात है कि हमने अजय देवगन को बहुत समय से एक नेगेटिव किरदार में नहीं देखा है और उनको ज्यादातर हम ऐसे ही किरदारों में देखते हैं जो कि फिल्म के हीरो का होता है। लेकिन इस समय अजय देवगन काम कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म में जिसमें वो एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों कर रहे हैं। ये फिल्म है साउथ की फिल्म कैथी का रीमेक भोला। आपको बता दें कि इस फिल्म में अजय देवगन कर रहे हैं डायरेक्शन पर ज्यादा फोकस और इसीलिए फिल्म की कहानी में होने वाली है लीड रोल पर तब्बू। इस फिल्म में तब्बू एक ऐसे कैदी का किरदार निभा रही है जो कि अभी जेल से छुटती है और वो अपने बेटे से मिलने के लिए एक अंधेरी रात का इस्तेमाल करती है। जाहिर सी बात है कि कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनको करना पड़ता है सामना एक ड्रग रेड का। लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि उस ड्रग रेड के पीछे एक ऐसा अफसर है जो चाहता है कि वो सारा का सारा इल्जाम लगा दे उस कैदी पर और इसीलिए ये सब कुछ एक साजिश होती है। अब देखने वाली बात ये है कि जो भी ये किरदार निभाने वाला है वो एक काफी नेगेटिव किरदार होने वाला है और एक ऐसे एक्टर को ही ऐसा किरदार देना चाहिए जो कि अपनी अदाकारी से सबको इम्प्रेस कर पाए और हमें लगता है कि ये किरदार होने वाला है अजय देवगन का। जाहिर सी बात है कि अपने इस फिल्म को और भी ज्यादा हाइप करने के लिए एक नेगेटिव किरदार निभाना एक बहुत ही बेहतरीन मूव होने वाला है। तो क्या वाकई में अजय देवगन होने वाले हैं ये पुलिस अफसर? ये देखने के लिए हमें करना होगा भोला फिल्म के लिए इंतजार। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।